नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला है ये कंपनी, ऑलमोस्ट 30-40% टूट चुका है अपने हाई से। और लकली ये स्टॉक हमने भी लास्ट ईयर बाय किया था 58 रुपये का, जब इसको डिविडेंड दिया गया था। तो इस स्टॉक का आई थिंक मुझे 3 बार डिविडेंड आ चुका है। और सच बोलूँ तो जिस नीचे जितना ही नीचे गिरा है उतना तो हमने स्टॉक को डिविडेंड कमा लिया है। और चाहो तो स्टॉक को अब आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। मैं खुद स्टॉक को एवरेज करने वाला हूँ कल या परसों जब भी मार्केट खुलती है। अब एवरेज करने का तरीका है, ठीक है, जो एवरेज मैं कर रहा हूँ इसमें एक पैटर्न बना है। देखो पैटर्न क्या बना वो अभी आपको चार्ट समझाऊंगा, तो आप देख लेना। सेकंड थिंग, इसने 5 रुपये का देखो अभी डिविडेंड दिया, अभी मार्च के महीने में दिया, पेमेंट आई है, ठीक है। और उससे पहले इसने दिया था 58 रुपये का 2021 में, राइट, अगर आपको याद होगा। अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, तो बने रह सकते हो। स्टॉक का नाम आप पढ़ सकते हैं, BPCL की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत हाई से टूट चुका है। ये बेस्ट शेयर टू बाय नाउ बन सकता है। आई नो पेट्रोलियम शेयर है, लोगों को अभी भी बिलीव नहीं आ रहा कि यार पेट्रोल के शेयर पर भाग सकते हैं। देखो एक बात ध्यान रख लेना, अभी भी ना स्टॉक में बहुत बड़े बड़े बंदों का पैसा लगा हुआ है। जब बड़े बंदों का पैसा लगा रहता है ना, तो स्टॉक का क्या, स्टॉक का बाप ही भागेगा, क्योंकि भाई उनका, वो अपना नुकसान नहीं करा सकते, ठीक है ना, गवर्नमेंट उनको कराने देगी। सिंपल सी बात है, समझो बात को, ठीक है। ये स्टॉक में FII, DII और साथ में LIC स्टॉक में लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। लास्ट क्वार्टर ही LIC ने 1% की होल्डिंग स्टॉक में इंक्रीज करी है, ठीक है। तो समझाना चाहता हूँ कि ये जो लोग पेट्रोलियम शेयर से डर रहे हैं, जैसे BPCL है, तो यही बोलूंगा डरना नहीं है, इसको एवरेज करो। यहाँ पर डेफिनेटली इस पर यहाँ से रॉकेट होगा, क्योंकि इसमें पैटर्न बनने लग गया है और इसका मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बॉटम हो चुका है। अगर नहीं भी होता है तो यू कैन पुट अ सिंपल स्टॉप लॉस, जो मैं भी लगाने वाला हूँ चार्ट में, जो आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले प्रॉफिट देखो और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। BPCL जो भी है 334 रुपये ट्रेड कर रहा है और लास्ट 6 मंथ में स्टॉक काफी टूट चुका है। अगर आप हाई से देखते हो तो आपको दिखेगा कि हाँ स्टॉक ने काफी हेल्दी करेक्शन दे दी है 30-35%। और यहाँ पर स्टॉक ने शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। लॉन्ग टर्म तो अभी नहीं बोलूंगा, शॉर्ट टर्म बोलूंगा, ठीक है। अगर बात करते प्रॉफिट कैसे आ रहे स्टॉक के, तो मैं आपको प्रॉफिट से एक बार रूबरू करा देता हूँ। तो देखो कंपनी आपको 3% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है और ROC 15% है। रिटर्न इक्विटी भी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है, कैश भी काफी अच्छा है, पहले जो प्रमोटर्स की ना के बराबर है। मार्केट कैप 72,000 करोड़ का है और स्टॉक अभी ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और बाकी कंपनी अच्छे नंबर आ सकते हैं ऐसा उम्मीद है। बाकी एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के जून के नंबर आउट हुए, अभी तक आउट नहीं हुए, मुझे लगता है बहुत जल्द कंपनी अपने नंबर आउट कर सकते हो, साथ में आपको डिविडेंड भी दे सकती है, तो नजरों में आप लोग रख सकते हो। तो क्वार्टर रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, मार्च के नंबर 1,00,000 करोड़ की सेल्स है, प्रॉफिट 2,800 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर में यही था। अगर ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं, देखो लगातार कंपनी वर्क काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, 16,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया कंपनी। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजल्ट लगातार ग्रो हो रहे हैं, डेट भी कंपनी का 64,000 करोड़ का है, ठीक है, जो कोई बड़ी बिग डील भी नहीं है, राइट। बाकी का शेयर पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग देखो 52% है, FII की होल्डिंग देखो 13% है, ठीक है। यहाँ लास्ट 3-4 क्वार्टर में इन्होंने इंक्रीज करी है। अब रीजन क्या है, इनको चाहिए डिविडेंड और ये कंपनी आपको भाई अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है, तो भैया FII को क्या चाहिए, एक हेल्दी इनकम आ रही है डिविडेंड से, बस खत्म। तो भैया उनको डिविडेंड इनकम चाहिए, इसलिए उन्होंने होल्ड करके रखा है। और इनकी मजबूरी है स्टॉक को होल्ड करना, क्योंकि भैया डिविडेंड इनकम आ रही है ना भाई, ठीक है, और गारंटी इनकम आ रही है भैया। 50-100 रुपये का डिविडेंड साल में दे देती है, क्या चाहिए, बहुत बढ़िया है। 50-100 का नहीं, 10-20 रुपये का मिल ही जाता है, वो भी बहुत बढ़िया है, राइट। अब इनकी क्वांटिटी करोड़ों में होती है, सिंपल सा मैथ लगा लो भाई। अब ठीक है, अगर DII की बात करते हैं तो देखो ये भी लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। LIC की होल्डिंग 5% थी, आज 8% हो चुकी है। तो आप सोचो ना ये क्यों अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो स्टॉक पर पोटेंशियल होगा ना, तभी तो बढ़ा रहे, वरना ये डिक्रीज करते। देखो हर क्वार्टर में बढ़ाई है उन्होंने, जब तक स्टॉक का भाई गिर रहा है ये बढ़ा रहे। अब ध्यान रखना एक बात बोलता हूँ ना आपको, स्टॉक को खासकर पैनी स्टॉक में लगाओ, लार्ज कैप में लगाओ, मिड कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, जब स्टॉक का भाई नीचे गिर रहा होता है। पर आपको पता होना चाहिए स्टॉक का ऊपर जाएगा। पता करने का तरीका सिंपल है, अगर स्टॉक में रिटेल का पैसा बहुत कम लगा है पकड़ लो उसको चुपचाप करके, अगर वो जिल हो, रिलायंस हो, कुछ भी हो, अगर रिटेल का पैसा बहुत कम है, अगर स्टॉक का पैसा लगातार गिर रहा है तो आप स्टॉक को गिरते हुए बाय करो, क्योंकि हमेशा मार्केट में बड़े प्लेयर गिरते हुए
प्राइस को ही बाय करते हैं, चढ़ते प्राइस को कभी बाय नहीं करते, वो हमेशा उसको सेल करते हैं। एफआईआई का देख लो, डीआईआई का देख लो, हमेशा वो सेल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब मार्केट चढ़ती है ना तो आपस में इनकी साझेदारी होती है। कहने का मतलब ये है कि एक बंदा अगर सेलर बनेगा ना तो एक बंदा दूसरा बायर बनेगा, ये सब आपस में हो जाता है साझेदार, उसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो अगर आपको उनको कॉपी करना है तो कॉपी उल्टा करो। जब लोग ये मार्केट जब गिरती है ना तब आपको एक्युमुलेट करना, अभी मार्केट चढ़ रही है, चढ़ गई है बहुत ऑलमोस्ट, तो अब आपको माल नहीं भाया करना है, अब मार्केट ऑलमोस्ट टॉप में बन टॉप आ चुकी है। अब बोलोगे सर टॉप कैसे आ चुका है, तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट निफ्टी का। मैं अभी निफ्टी के एनालिसिस शेयर नहीं करी है, ठीक है। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था मार्केट जब यहाँ आती, मैंने क्या बोला था, ये रजिस्ट्रेशन ले चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं देखो ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बिल्कुल यही रजिस्ट्रेशन लिया था, यही बताया था, मार्केट क्रैश नीचे आ गई। अब जो चौथा रजिस्ट्रेशन मार्केट लेगी, देखो यहाँ लेगी, अब गारंटी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन लेगी, लेकिन हाँ उम्मीद ही ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये रजिस्ट करता है प्राइस और नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो आपके पास जो माल है ना लॉन्ग टर्म का, भाई हल्का कर देना। ठीक है, 70% तो हल्का कर देना, मैं खुद करने वाला हूँ दोबारा से। ठीक है, बस मेरे पास कुछ बड़ा माल है नहीं क्वांटिटी में, मतलब कहने का मतलब शेयर्स, बड़े शेयर्स है नहीं मेरे पास। तो अगर आपके पास है, आपने इस रैली में बाई किया, इस रैली में यहाँ पर बाई किया है, तो भाई यहाँ इसको हल्का कर देना, यही इसका लास्ट बनने वाला है। 17,000 के लेवल्स मुझे पता था आएंगे, आ चुके। अब 17,400 जाए 600 जाए वो तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री है, रख लो, लेकिन यहाँ इसको रजिस्ट करके नीचे गिरेगा, अगर इसके ऊपर एक क्लोज कर देता है तब आगे बताऊंगा कि क्या कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से रजिस्ट करेगा, क्योंकि इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं मार्केट अभी हो नहीं रहा है ग्लोबली की भैया मैं बोलूँ बहुत अच्छा हो रहा है, पकड़ लो जो पकड़ना है। यहाँ पकड़ सकते थे 15 के लेवल में, क्योंकि मार्केट में सस्ती थी। सस्ती क्या होती है, देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, सपोर्ट क्या होगा, और सपोर्ट 15,000 सपोर्ट है, एक होता है ना देखो लॉजिकल सपोर्ट भी है, ठीक है, साथ में एक नंबर सपोर्ट भी है। मार्केट 15 से 18 गई है, तो अगर कोई बंदा बाय करना चाहता है, एक व्यक्ति से बोलो भाई मार्केट 15 से 18 गई है तू कहाँ बाय करेगा, वो बोलेगा मैं भाई मैं बाय करूंगा 16 में, मैं बाय करूंगा 15 में। और ये सच्चाई है, बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसे ही नंबर से बाय करते हैं, 16 में 15 में, और वहीं से मार्केट हमेशा सपोर्ट देती है। और ध्यान रखना एग्जिट 15 से नहीं करेंगे, या तो 100 पॉइंट ऊपर करेंगे या 100 पॉइंट नीचे करेंगे, क्योंकि भैया समझ गया ना, अगर वहां से कर देंगे तो सबको लगेगा अरे भाई यहाँ सपोर्ट आ गया हम भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा एक फियर तो रहता है, डर तो रहता है ना 15 टूट के 14,000 ना जाए। ठीक है, तो हमेशा 100 रुपये या 100 पॉइंट ऊपर बाय होता है या 100 पॉइंट नीचे बाय होता है, यही आप स्टॉक में भी लगा सकते हो। अगर 100 रुपये का बेस बनता है तो या तो सपोर्ट लेगा 101 102 में, या फिर लेगा 98 99 में स्टॉप हिट कराने के बाद, समझ गया। तो ये बेसिक आप अप्लाई कर सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन में, मतलब जब बाय कब करना है बेसिकली, बॉटम कब हुआ है वो देखने के लिए। ठीक है, तो ये रजिस्ट एरिया डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो आप लोग। बाकी मैं बात कर रहा था बीबीसीएल की, तो भाई स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा था, उसका चार्ट पैटर्न आपको दिखाया था, प्रॉफिट आपने देखे, श्योरिटी पैटर्न आपने देख लिया, उस स्टॉक में आपका रिटेल का बहुत कम पैसा लगा, फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर ये स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा, देखो ये स्टॉक ऊपर जाएंगे रीजन समझो आप, यहाँ प्यारा सा एक इनसाइड वाला कैंडल बन रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। तो अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो यहाँ स्टॉक को बाय कर सकते हो, दिस माई स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा इसी कहना कर लो, मतलब मैं स्टॉक में 300 रुपये के एसएल से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, 300 रुपये के एसएल से मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, राइट। तो 300 रुपये के एसएल से आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, और ये सिंपल सा स्टॉक अगर आपको टारगेट देगा अपसाइड कितने रुपये तक दिखाएगा, मैक्स देगा 400 तक, मैक्स जाएगा या 400 तक, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद की अभी है नहीं, 400 रुपये जाएगा वहाँ पर, एक बार प्रॉफिट भी आप लोग कर सकते हो, आपको करना है। ठीक है, तो बता दिया इनसाइड वाला कैंडल बन रहा है प्यारा सा, यहाँ भी देखो बना था, लेकिन उस समय मैंने आपको बताया नहीं था ये क्यों। ठीक है, उसका रीजन ये भी हो सकता है, देखो मैंने उसमें ऑब्जर्वेशन में रखा होगा, क्योंकि भाई कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, हर इंडिकेटर्स आपको अलग अलग बताता है। ठीक है, अभी जो पैटर्न है ये पैटर्न अच्छा बन रहा है, अच्छा संकेत लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नजरों में रख सकते हो अगर आपको लगना रखना है तो। ठीक है, तो 300 रुपये का आपको प्रॉपर एसएल स्टॉक में लगाना है, मैं कुछ उसको अप्लाई करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप स्टॉप नहीं लगा रहे हो तो ध्यान रखना, फिर यहाँ पर फिर आपको एवरेज करना पड़ेगा, ये दिस इज द प्राइस 250। ठीक है, वहाँ पर एवरेज पक्का करना अगर आप एसएल नहीं लगाना चाहते, लेकिन एसएल लगा लेना 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।